हेलो नमस्ते, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। बीच में मेरा एक दो दिन व्लॉग छूट गया था फॉर पर्सनल रीजंस एंड आई एम सो ग्लैड आई एम बैक। इट्स बीन अ मंथ सिंस आई टुक अप दिस चैलेंज। आई गेव अ चैलेंज टू माय सेल्फ ऑन डूइंग 30 डेज 30 व्लॉग्स एंड इट्स ओवर अ मंथ एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव कंप्लीटेड दिस विद जस्ट वन और टू डेज मिसिंग, बट चलता है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज हु हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स, बैक टू बैक डेली व्लॉग्स, रोज अपने घर के काम करो, अपना ऑफिस का काम करो प्लस व्लॉग्स डालो, हैट्स ऑफ टू देम। पीपल रियली रियली वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस ऑन यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड आई एम अ बडिंग यूट्यूबर एंड आई एम श्योर विद हार्ड वर्क एंड टाइम आई विल रीच देयर टू। सो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्युषण चल रहा है एंड टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ पर्युषण एंड टुडे इन टुडेज व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर कि हम बिना लहसुन प्याज और एनी वेजिटेबल, बिना लहसुन प्याज का तो छोड़ो एनी वेजिटेबल, वी जेन्स डोंट ईट एनी वेजिटेबल फ्रूट्स और एनी काइंड ऑफ अंडर रूट वेजिटेबल ड्यूरिंग पर्युषण और कॉल इट पर्युषण। So today is the fourth day and today I'm going to share with you ki how are we managing our daily diet without any vegetables or fruits and still it is a healthy one. So I will take you to my kitchen today and show you ki hum pura din kya kha rahe hain, what are we eating and how are we managing our diet in pollution without wasting any time. Let's get into the kitchen and let's start with the preparations. So for breakfast we are having dosa with chutney and malgapudi and with that soaked raisins and almonds and of course meri chai, which is a must. I badly need 2 cups of chai every day, one in the morning and one in the evening. So breakfast hamara ho chuka hai and trust me friends, in any day having idli dosa batter at home is a savior and during pollution तो बहुत ही बड़ा savior है, because कई बार ऐसा होता है कि आप जो सूखी सब्जियाँ आप बना रहे हो वो बच्चों को नहीं पसंद आती and in that case आप फटाफट से उनको डोसा उतार के दे दो with मलका पुड़ी और कोई भी चटनी हो घर पर या सॉस किसी से भी। कई बार बच्चे शुगर से भी खाना पसंद कर लेते हैं तो in that case it is a big big savior. Breakfast हो चुका है, अब मैं जाऊँगी lunch की preparations में और lunch में बन रही है लापसी with कड़ी। लापसी is a very famous Rajasthani and Gujarati dish and it is not just made during pollution, it is made on various occasions. Ghar mein koi bhi achha function ho ya festival ho ya weddings ho, basically wedding, koi bhi achhe kaam ki shuruaat hum Rajasthanis lapsi se karte hain, hum lapsi banate hain. So come without wasting any time, let's go and make the lapsi and I will share the recipe with you. Chaliye. तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप दलिया, 3/4 कप जैगरी और अब उसको मैं पानी में मेल्ट करूँगी। तो मेरा गुड़ का पानी वहाँ तैयार हो रहा है, गुड़ की चाशनी कह लो या पानी कह लो। इसमें ये मेरी लापसी है, दैट इज़ गेहूँ का दलिया और इसमें मैं अपनी लापसी भूनूंगी। अब हमें ये धीमी आंच पे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ना हो जाए और पूरे घर में इसका अरोमा ना फैले, तब तक हमें इसे धीमी आंच पे भूनते रहना है। हो सकता है आपको अभी इस वक्त लग रहा हो कि घी बहुत ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, घी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। लोग तो इक्वल मात्रा में लेते हैं, अगर मेरी मदर इन लॉ वगैरह बनाएं तो वो जितना उन्होंने दलिया लिया उतना ही गुड़ लेते हैं। मैंने कम लिया है, मैंने बहुत कम लिया है उनके कंपैरिजन। एंड ये जो घी आप देख रहे हैं, ये जो दलिया है ये फूलेगा, ये डबल होगा साइज़ में एंड जब पानी डलेगा ये सारा घी अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट मच एज इट सीम्स टू बी नाउ। एंड अनदर रीज़न दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ पर्युषण कम्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, व्हेन द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून and during pollution we eat all dry items like all sukhi sabziyan and sukhi dal etc, pulses etc, and that might cause constipation because we are not eating greens and fruits, and that is why we add a lot of ghee in our dishes which we make during pollution, ghee or oil,
That's because that also acts as a lubricant to avoid constipation, and it also boosts our immunity to fight with the monsoon season. लापसी हमारी ऑलमोस्ट बुन चुकी है और इसका एकदम गोल्डन कलर आ गया है और एरोमा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है. अब इट्स टाइम टू ऐड वाटर. अब हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक ये 3/4 डन ना हो. जब ऑलमोस्ट 3/4 हो जाए हम इसका दाना दबा के देखेंगे. जब 3/4 हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारी गुड़ की चाशनी, गुड़ का पानी जो कि है ये. और अगर हमने पहले ही गुड़ के पानी में डाल दिया तो दलिया पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. इसलिए हम इसको पहले प्लेन वाटर में पकाएंगे, उसके बाद अपना गुड़ का पानी डालेंगे. लापसी यहाँ पक रही है. मैंने यहाँ चढ़ा दी है कढ़ी और ये मैं अपनी कढ़ी भी पका लूँगी. इस बीच मेरी लापसी भी रेडी हो जाएगी. लापसी इज़ नाउ 3/4 रेडी एंड द रिमेनिंग कुकिंग प्रोसेस विल हैपन इन द जैगरी वाटर. एट दिस स्टेज इफ़ यू फील योर लापसी इज़ नॉट रेडी देन यू कैन ऐड अ लिटिल मोर वाटर एंड लेट इट कुक. I will now add the jaggery water. I will strain it and add it into this and let it cook until it absorbs and dries up completely. So just to get rid of these impurities, we had strained the jaggery water, and that's why I don't prefer to add jaggery directly. Here I'm adding the final tadka to my kadhi. Now this was a very basic ghee ka tadka. Ghee mein rai, jeera, hing and sukhi lal mirch, nothing else, because we can't add garlic and green chilies etc. So our kadhi is finally ready and the consistency is also as I wanted. Now time to get back to our lapsi. Adding in some cardamom powder. Now at this stage some also add dry coconut, chopped coconut and dry fruits, that is badam, pista etc. But I am not adding anything. Maybe just for the sake of my Instagram picture I may add some almond flakes, but I am not adding because we are going to have it with the kadhi and that might spoil the taste. ये हमारी लापसी का पानी almost absorb हो चुका है, but still we will still keep it on the stove for it to completely dry up and leave the sides with the ghee. Look what just happened. I was chopping almonds for the lapsi and this just happened. The kohe knife just chopped off my nail. This knife, I was just chopping almonds and it chopped off my nail. How sad. लापसी हमारी बन चुकी है एंड इफ़ यू कैन नोटिस देर इज़ नो एक्स्ट्रा घी ओजिंग आउट ऑफ द लापसी. सो वॉट एवर वी हैड एडेड इज़ बीन अब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली एंड इट्स परफेक्ट. नाउ विपुल इज़ ऑल्सो होम फॉर लंच, सो आई विल टेक आउट सम फॉर द प्रसाद एंड देन वी विल ईट. Oh no, I forgot that I also have to click my Instagram picture, so I'll do that first. पोस्ट लंच मैंने किचन क्लीन किया, अपने सारे प्रॉप्स धो के रखे और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई धो के इसको सीजन करके रख रही हूँ. सो यस, आई एम बैक. चाय हो गई है, अब शाम के खाने का टाइम है. इनफैक्ट आई एम नॉट हंग्री, नन ऑफ अस आर हंग्री बिकॉज द लंच वाज सो हैवी, बट स्टिल खाना तो पड़ेगा बिकॉज इफ वी डोंट ईट नाउ वी वोंट बी एबल टू ईट. इवन इफ वी आर हंग्री लेटर आफ्टर सनसेट वी वोंट बी एबल टू ईट. So I will cook something light. So I am heading to the kitchen. अब मैं बनाऊंगी पनीर का चीला एंड चटनी. तो हमने पजुशन से पहले ही थोड़ी बना के रख ली थी, तो वो है अभी भी थोड़ी नहीं, काफ़ी सारी बना ली थी, तो दैट इज स्टिल लेफ्ट आउट. सो वी विल यूज़ दैट चटनी विद चीला एंड येस दैट्स इट. सो आई विल शो यू माई प्रोसेस ऑफ चीला. सो ये मेरी तैयारी हो गई है चीले की. इसमें मैंने लिया है बेसन. बेसन के अलावा मैंने डाला है सॉल्ट, हरी मिर्च, सॉरी नॉट हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया, थोड़ा सा अमचूर एंड अजवाइन और पिसी हुई सौंफ का पाउडर. एंड अगेन आई विल ऐड अ लिटिल हींग
अजवाइन, हींग एंड सौंफ, दीज विल बी वेरी गुड बिकॉज दे लैक्ट एज अ डाइजेस्टिव एजेंट, क्योंकि हमने सुबह भी बेसन खाया और अभी भी बेसन खा रहे हैं, सो ये चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करेंगी. नाउ आई विल ऐड वाटर इन टू इट एंड एक डोसा कंसिस्टेंसी का हम एक बैटर रेडी कर लेंगे. अ बैटर इज फाइनली रेडी एंड यू कैन सी द कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट. दिस इज द डोसा कंसिस्टेंसी, डोसा बैटर कंसिस्टेंसी आई मीन. एंड सिंस वी एडेड वाटर लिटिल बाई लिटिल एंड नॉट ऑल टुगेदर, वी गॉट अ लम फ्री बैटर. अब ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है. वी विल नाउ मूव ऑन टू द फिलिंग. सो हियर माई चीला फिलिंग इज ऑल्सो रेडी. इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड पनीर, ग्रेटेड चीज़. यू कैन यूज़ एनी चीज़ ऑन अ यूजुअल बेसिस. आई ऑल्सो एड चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड सिलेंट्रो, बट पजूशन की वजह से वो सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा एंड चाट मसाला. So yes, that's all. That's the masala that I've added and now let's get into the preparations of it, which is very very easy. पहले इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे. सो ये हो गया हमारा मसाला तैयार. बहुत ही फीका फीका लग रहा है बिकॉज नो अनियंस, नो कोरिएंडर, बट दैट्स ओके. आई डोंट थिंक टेस्ट वाइज कोई फ़र्क होगा ज़्यादा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशंस. Hi friends, I'm back post dinner. I was just relaxing for some time and then I uploaded my Instagram post. And if you're wondering why am I ready now, well that's because I need to shoot a picture. If you remember, I did a post for a brand called Kohe. I had showed that I received this apron, so Kohe apron and a chef cap. So I need to wear this, hold the knives in hand, and I need to click my picture and send that as well for the approval. Yes, I'm back and picture ले ली ये और ये. ये दोनों जा रही है ब्रांड को अप्रूवल के लिए. So yes friends, I'm done with this vlog. I hope you like my recipes and for all those who were wondering ki sabzi nahi, fruits nahi, how do you manage 8 days bina fruits and vegetables? So this is how we manage as I showed today in today's vlog. So yes friends, yahi tha aaj ke vlog mein. I hope you like and if do, please like, share and subscribe and follow me on Instagram for all the latest updates. I'm super super active on Instagram, so anything that happens in my life or my whereabouts, everything you will know in Instagram. And the best thing about Instagram is you will get a chance to have a chit chat with me. You can talk to me directly via DMs, so that is one thing, you know, that is a plus point about Instagram. So yes friends, that's all as of now. See you tomorrow in a new day, new vlog. Until then, stay tuned and take care of yourself, stay safe. Bye bye, good night.